हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर। आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोगों को जैसे कि पता है कि प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो तकरीबन 70-80% जो है वो रोल प्ले करता है आपकी वीडियो को लोग वॉच करें इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने वीडियो का प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो बंदा सर्च कर रहा है उसके सामने जितनी वीडियो आ रही हैं बंदा आपके थंबनेल को क्लिक करे आपकी वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाना तो प्रोफेशनल थंबनेल बनाना भी सिखाने जा रहा हूं, और उससे पहले मैं कुछ की पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि आपने कैसे थंबनेल डिजाइन करना है। सबसे पहले तो आप अपनी पिक्चर जो है वो लाजमी यूज करें अगर आप फेस कैम में वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज वैसे भी ये काम चल सकता है। और नंबर टू पे मैं बात करूंगा कि बैकग्राउंड जो है वो सिंपल प्लेन रखें, बहुत ज्यादा खिचड़ी वाला बैकग्राउंड जो है वो ना रखें, क्योंकि यूजर की जो इंटरेक्शन है वो डाइवर्ट हो जाती है। सिंपल बैकग्राउंड रखें। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थंबनेल जो है उस पे आप उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि थंबनेल को आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं और थोड़ा सा सस्पेंस भी उसके अंदर लाजमी डालें। मगर एक बात मेरी लाजमी याद रखें कि इंटरेस्टिंग और उसको सस्पेंस वाला बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि आप फेक बना दें। फेक से क्या मुराद है कि आपके थंबनेल के अंदर कुछ और हो मगर आपकी वीडियो कंटेंट के अंदर आप कुछ और बता रहे हो, तो ये चीज आपको आपका वॉच टाइम जो है वो डाउन कर देगी, आपकी वीडियो की रैंकिंग को डाउन कर देगी। इसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जो भी आपने थंबनेल के अंदर यूज करना है, लिखना है, उसको आपने बिल्कुल जो सच्ची चीज है वो आपने वहां पे लिखनी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि थंबनेल के अंदर बहुत ज्यादा आपने टेक्स्ट यूज नहीं करना, और दो से तीन कह लेंगे वर्ड जो है वो यूज करने हैं, और वो भी बोल्ड में यूज करने हैं, बिग फॉन्ट में यूज करने हैं। ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। जब आप टेक्स्ट लिखें थंबनेल के ऊपर तो ये चीज मेक श्योर कर लें कि डेस्कटॉप में या मोबाइल के अंदर वो टेक्स्ट जो है वो यूजर को रीडेबल हो। वो एक दो बंदे को टेस्ट करवा लें कि यार ये देखो ये पढ़ा जा रहा है, ये मैं जो ब्लंडर मारा है ये ठीक है। ये एक दो बंदे को टेस्ट करवा लें कि वो रीडेबल हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं भी स्टार्ट में करता रहा हूं, कि बैकग्राउंड पे उसके टेक्स्ट के कलर दे देना, या जो ये थंबनेल का बैकग्राउंड है इसके ऊपर टेक्स्ट ऐसा लिख देना कोई जो कलर ही मैच कर रहे हैं, पढ़ा ही नहीं जा रहा। ये चीज से आपने अवॉइड करना है, ये मैं अभी आपको शो करवाता हूं। YouTube जो है वो हर बंदे को मौका देता है ग्रो होने के लिए। हर बंदे की वीडियो जो है वो कई बंदों के सामने रखता है जब वो सर्च करते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी वीडियोस में बहुत ज्यादा इंप्रेशन है मगर देखा किसी ने नहीं है, व्यू नहीं है। क्यों? इंप्रेशन आया यूट्यूब ने, लेट्स वो किसी की वीडियो मेरे सामने रखा, मैं ऐसे स्क्रॉल करता करता मैं देखा, अगर तो उसका थंबनेल प्रोफेशनल होगा, क्लिकेबल होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगेगा, थोड़ी सी उसके अंदर सस्पेंस मुझे नजर आएगी, तो मेरा दिल करेगा कि मैं उसको देखूं वीडियो के अंदर क्या है। तो ऐसा थंबनेल आपने डिजाइन करना है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपने डिजाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं फोटोशॉप ये यूज कर रहा हूं, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से थंबनेल क्रिएट करने के लिए, या अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के अंदर कोई भी टूल यूज कर सकते हैं थंबनेल क्रिएट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये एक सिंपल सी कह लेंगे एक पिक्चर में ली है मेरे, जिस जगह मैं वीडियो बनाता हूँ शूट करता हूँ, तो ये पीछे उसके बैकग्राउंड है और मैं वहां पे बैठ के एक सिंपल सी पिक्चर ली है। इसका मैं साइज बता देता हूँ थंबनेल का जो होना चाहिए, जो परफेक्ट है 1280x720 ये साइज है जो हमने रखना है। इसके बाद मैं ये अपनी पिक्चर को थोड़ा सा ग्लो दे देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है, तो ये मैं अभी ग्लो दे के आपको शो करवाता हूँ। ये जरूरी नहीं है ग्लो शो देना, अगर आप चाहते हैं तो आप ये चीज जो है वो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा थंबनेल, थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लुक इसकी आएगी। तो ये मैं आपको शो करवाता हूँ, ये एक दो सेकंड में आपके और लूंगा इस पे। ये लें जी, इसको हम कर देते हैं अनचेक, और ये लें जी, ये हो गया। इसको मैं करता हूँ जी सिलेक्ट इनवर्स और कंट्रोल न्यू करके अपनी इमेज को मैं थोड़ी देर के लिए उठा के साइड पे रख के वापस इस पे लेके आता हूँ।
ये ले जी, यहाँ पे रखिए, यहां से वापस लेके आएंगे तो ये लाने का मकसद क्या है कि न्यू लेयर जो है वो बन जाएगी, ये न्यू लेयर बन गई। इसको मैं दोबारा इसके ऊपर रखता हूँ, ये लें जी। अब इसको मैं दे देता हूँ जी ग्लो, ये चेक करें आउटर ग्लो। ये थोड़ा सा कह लें कि प्रोफेशनल जो है वो लुक हमें प्रोवाइड करेगा। अगर मैं ये देता हूँ इसको जी, आप दे लें इसको जनाब, कौन सा दें, ये येलो, इसको करते हैं ओके। और इसका जो साइज है वो मैं इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लें जी, ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये कोई भी आप इसको कलर वगैरह दे सकते हैं, ये पेस्टी इसकी थोड़ी सी तेज करते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई कलर और चेंज करके आपको शो करवाता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन वाला, ये रहने देते हैं जी, इसकी पेस्टी थोड़ी सी कम कर देते हैं। चले इसको ओके। यहाँ ये तो मैं एक एक्स्ट्रा वर्क आपको करके दिखाया, मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट आपने कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो से तीन कह लें के वर्ड्स यहाँ पे यूज करने हैं, और वो बोल्ड मोटे कह लें के फॉन्ट के अंदर आपने वो यूज करने हैं, को वो रीडेबल हो मोबाइल के अंदर भी, जब इसको हम छोटा मोबाइल के अंदर भी कोई देखे तो वो रीडेबल हो। लेट्स सपोज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज मैं ये लिखा हुआ है जी हाउ टू मेक, ये ले जी हाउ टू मेक, ये मैं लिख दिया यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं, आपको पता ही है कैसे लिखना है। हाउ टू मेक लिखा है तो ये रीडेबल नहीं है, इसको कोई और भी कलर करूंगा तो ये रीडेबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे जो है एक बैकग्राउंड में दे दूंगा, जैसा कि ये देखिए, कोई भी आप यहाँ से दे सकते हैं, कह लें के कोई कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है, ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर मैं रखूं जनाब उठा के यहाँ पे, और इसको करूं यहाँ पे, इसको हम बड़ा करके दिखाता हूँ, बड़ा करके देखते हैं, ये देखिए। अगर ये आप यूज कर रहे हैं ना तो ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव कलर नहीं है, तो इसको मैं करता हूँ ये मैं एक कलर यूज किया वो, ये देखिए जी, ये अट्रैक्टिव है अब और रीडेबल भी है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, वो है जी, मैं लिख देता हूँ थंबनेल, क्योंकि इसी के लेटर बना रहे हैं, तो ये भी रीडेबल नहीं है। इसके बैक पे भी आप कोई भी दे सकते हैं, ये मैं जैसे ये रेड दिया हुआ है, इसके पीछे कलर, तो ये देखिए रीडेबल है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ और आपको शो करवाता हूँ, ये देखिए प्रोफेशनल, ये भी रीडेबल नहीं होना। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें, अट्रैक्टिव नहीं होना, इंटरेस्टिंग नहीं होना है। और मैं इसके पीछे भी अगर आपको कोई कलर डाल के दिखाऊं, ये देखिए, अब ये कलर मैं इसके पीछे भी डाल दिया। अब इसको मैं जितना भी छोटा भी करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए रीडेबल है, मोबाइल के अंदर भी ये थंबनेल हमारा जो है ये रीडेबल होना, ये प्रोफेशनल लेवल पे बन गया है। सिंपल है, प्रोफेशनल है, रीडेबल है, कलर मैचिंग है। तो ये था जी थंबनेल बनाने का तरीका, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप कोई भी टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक, नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।